चलिए आज बनाते हैं लौकी और चने दाल की सब्जी। चने दाल की सब्जी या लौकी जब भी बनाना होता है तो समझ नहीं आता कैसे बनाएं। आज हम बहुत मज़ेदार की रेसिपी और नए तरीके से बनाएंगे लेकर आए हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने चने की दाल, जो मैंने 2 घंटे पहले भिगा कर इसको रख दिया था, और इसे धुल कर इसका पानी मैंने अलग कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर दाल जो है अच्छे से फूल गई है। दाल को अगर ठंडे या गर्म पानी में भिगा कर रखिए तो आप लगभग 2 घंटे में अच्छी तरीके से फूल जाती है। ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ पर अब हम रखेंगे एक गैस पर कुकर, मतलब गैस पर एक कुकर रखेंगे। इसके अंदर हम ऑयल या घी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। आप इस सब्जी को चाहे तेल में बनाइए या फिर आप घी में बनाइए, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज इसे घी में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच जीरा, और थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है हींग डाइजेस्ट में, जो आपको हेल्प करेगा। तो अब इसको थोड़ा सा हम चटकने देते हैं। जैसे जीरा थोड़ा सा हमारा चटक जाएगा, कुकर अच्छा गर्म हो गया है। तो अगर आपके पास खुले मुंह वाला कुकर है, मतलब बड़े मुंह वाला, तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास वैसा कुकर अभी नहीं है। तो जो है मैं इसमें बना रही हूँ। तो एक मैंने सूखी लाल मिर्च डाला है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने। अब इसके बाद 2 मैंने यहाँ पर साबुत लौंग डाल दिया है। थोड़े से मैं मसाले इसमें यूज कर रही हूँ, खड़े मसाले। तो 1 तेज़पत्ता मैंने डाल दिया है इसके अंदर। आप चाहें तो कोई भी मसाला ले सकते हैं, खड़े मसाले मतलब साबुत मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज को एकदम बारीक चॉप कर लिया था, इसे भी डाल देती हूँ इसके अंदर। अब मैं सभी मसालों और प्याज को अच्छी तरीके से भून लूँगी, जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए, प्याज का कलर एकदम गुलाबी ना हो जाए। तो क्या करना है, अब इसको हम जो है मिक्स कर लेते हैं। कुकर में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए कुकर को मैं टेढ़ा करके जो है मिक्स कर रही हूँ। ये 10 साल पुराना कुकर है, अभी मैंने नया नहीं लिया है, मुझे खुले मुंह वाला चाहिए। मैं बहुत ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। तो जब मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी बड़े मुंह वाला। तो ये इसमें थोड़ी दिक्कत भी होती है मुझे कोई रेसिपी बनाने में, जैसे वीडियो के लिए। तो जो है यहाँ पर मैंने 2 टमाटर भी लिया है एकदम पके वाले, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है, और इसे भी इसमें डाल देती हूँ। और इन्हें भी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे एकदम सॉफ्ट होने तक। तो अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर खाते हैं तो आप डाल सकते हैं बेझिझक। तो यहाँ पर हमने लिया है थोड़े से हल्दी पाउडर, और इसमें अब हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें जो है हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं, या तीखी वाली लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं। तो ये लाल मिर्च जो मैंने डाला है इसमें कलर आने के लिए डाला है, ये तीखा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का यूज नहीं किया है, क्योंकि जो है इस मिर्च में थोड़े से तीखापन भी है। तो अभी मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, इनको 2 मिनट पका लेते हैं इस तरीके से थोड़ा, जिससे टमाटर और प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। तो मैंने बताया कि आपको हरी मिर्च मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन इस पेस्ट में है हरी मिर्च। तो जो है आप चाहें तो अलग से भी हरी मिर्च डाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब इन्हें हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और इधर देखिए हमारा तड़का एकदम अच्छी तरीके से पक गया है, मतलब कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैंने लिए थे जो चना के दाल भिगा कर रखे थे, इनको अब हम डाल देते हैं। 1 कप चने की दाल है ये। अब इन्हें भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। इस सब्जी को बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है खाने में भैया, और बहुत अमेजिंग सब्जी है लौकी और चने दाल की सब्जी। तो जो है मैंने इनको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम इनके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब जिस कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए पानी उतना ही डाल सकते हैं आप। तो जो है पानी मैंने चने के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, मतलब
चने के बहुत ऊपर नहीं है, लिमिट में मैंने डाला है। अब यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की लौकी को मैंने कट कर लिया था बड़े पीस में, अब इसको भी डाल देते हैं। अगर आपको लगे कि दाल ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो आप पानी और एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये देखिए पानी जो है थोड़ा सा ऊपर है, बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं यूज किया है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इन्हें हम लिड लगाकर 3 से 4 बिसे लाने का वेट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। चाहें तो आप बाद में डाल सकते हैं या फिर आप नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 बिसे ला गई थी, तो यहाँ पर देखिए पानी एकदम सूख गया है। तो अभी इसको हम जो है मिक्स करेंगे। आप इसे देखकर घबराइएगा नहीं, जैसे कभी कभी लगता है कि हमें लगता है कि जैसे हमारी ये रेसिपी अच्छी नहीं बनी है, तो इनको हम जब मिक्स करेंगे तो लौकी जो है मैच हो जाएगी और थोड़े से चने के दाल भी मैच हो जाएंगे, तो ये गाढ़ा हो जाएगा जो अभी ऐसे खड़े दिख रहे थे आपको। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इनको पीट पाट कर सही कर देते हैं तो अब ये कंसिस्टेंसी में एकदम ठीक है। अगर आपको गाढ़ी लगे तो पानी थोड़ा और डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 चम्मच पानी और डाल दिया है। पानी का यूज जब भी कीजिएगा इसके अंदर तो गर्म पानी डालिएगा। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, मुझे थोड़ी सी गाढ़ी ही लगती है अच्छी, ये मतलब दाल हो या सब्जी हो लौकी का। तो इसके ऊपर से हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर अब खूब सारा हम हरा धनिया डाल देते हैं कटा हुआ, और इन्हें मिक्स कर देते हैं। तो अब हमारी ये रेसिपी एकदम बनके परफेक्ट तैयार है। तो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए अभी एकदम ही तैयार है, आप इन्हें रोटी के साथ या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो है ना एकदम बनाना आसान, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है लौकी चना दाल की रेसिपी। तो इसे ट्राई कीजिएगा, अभी तो मार्केट में लौकी अच्छी हरी भरी मिल रही हैं, गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है। तो मतलब आज की हमारी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर से एक तड़का भी लगा सकते हैं, जैसे थोड़े से तेल में जीरा डालकर, लाल मिर्च डालकर, कड़ी पत्ता डालकर छौंक लगा सकते हैं इसके ऊपर जब आप सर्व करना जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर से डाल देते हैं, है ना एकदम मज़ेदार की रेसिपी। तो इसे जो है मैंने इसे इसके लिए बनाया है रोटी और चावल, तो मैं रोटी और चावल दोनों के साथ सर्व करूँगी। और देखिए कितना इसमें से अच्छा खुशबू आ रहा है, एकदम मज़ेदार की रेसिपी तैयार हो गई है हमारी। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।